हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज अपने घर से लेकर हमारे यहां पे एक भंडारा है, वहां के जिन लोगों ने वो भंडारा रखा हुआ है उन्होंने हमें काफ़ी स्पेशल इनवाइट किया हुआ है, इनविटेशन दिया हुआ है, और उन्होंने कहा था कि आप स्पेशल आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। तो आज मैंने और मम्मा ने ये प्लान बनाया गया कि चलो मैं और आप जाते हैं, और जो उन्होंने इतना स्पेशल इनविटेशन हमें दिया हुआ है तो वहाँ पे जाते हैं। हाँ, तो भंडारा, लेकिन भंडारे के लिए भी उन्होंने स्पेशल इनवाइट किया हुआ है। तो भंडारे के लिए तो ऐसे कोई इनवाइट करता नहीं है, उन्होंने एक जनरली रखा होता है, लेकिन उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है क्योंकि हमारे क्लोज रिलेशनशिप में। तो मैंने कहा चलो मैं और मम्मा वहाँ पर जाते हैं और वो आते हैं वहाँ से। तो मैंने इसी बीच मैंने सोचा कि उन्हें आपको भी वहाँ का व्यू दिखाया जाए, और कहीं मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कहा है कि आप वहाँ का मुझे होम टूर दिखाएं, मतलब वहाँ के घर दिखाएं, किस तरीके के वहाँ के घर हैं, तो पहाड़ में किस तरीके के घर होते हैं, कैसे यहाँ के विलेज, मतलब जो पहाड़ी एरिया के घर किस तरीके से होते हैं, टीन से बने होते हैं या कैसी उनकी शेप होती है, तो वो भी मैं बताऊँगा वहाँ पर किस तरीके के घर हैं, और रास्ते में जितना व्यू हम कवर करते करते वो सब आपसे शेयर करेंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो में। गाइस, अभी हम अपने घर से निकलने वाले हैं, मम्मा भी रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, ठीक है, अभी ये भी रेडी हो चुके हुए हैं, हम दोनों रेडी हो चुके हैं, मैं और मम्मा जा रहे हैं। तो फिर हम वहाँ पहुँच के आपसे बात, अभी तो हम रास्ते से जाएंगे पहले, फिर रास्ते में अगर जो मेरे से व्यू कवर हो पाएगा मैं वो करके दिखाऊंगा, अदरवाइज़ फिर वहाँ पे आके वहाँ पे पहुँच के मैं आपसे मिलूँगा यहाँ वीडियो में। अभी हम बस निकलने वाले हैं घर से, और चलो ठीक है हम ही निकलते हैं, वैसे भी टाइम हो गया हुआ है। ब्रूनो बाय, अभी हम जल्दी आ जाएंगे, तब तक तू यहाँ बैठ जा आराम से, चल अपनी सीट पर। और ये भी अपने बिस्तर के नीचे चला गया हुआ। चलिए ठीक है पापा, बाय बाय, आप भी बैठो यहाँ पे, चलो मम्मा आ जाओ। तो गाइस, अभी हम अपने घर से निकल चुके हैं, ये मैं आगे के जा रहा हूँ, पीछे मम्मा भी आ रहे हैं, ठीक है, और ये वही रास्ता हमारा, ठीक है, जहाँ से हम जाते हैं नीचे रोड तक। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन चलना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए मम्मा भी आ रहे हैं, थोड़ा उनको आज देख दिखाते हैं आज आपको वहाँ का कैसा है गांव, और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे मतलब विलेज है वो, और वहाँ पर ऐसा है कि घर बहुत नियर, एक दूसरे के घर बहुत साथ साथ में घर हैं, ऐसा नहीं है जैसे कि हम जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि हमारा घर और थोड़ा सा दूर, मतलब डिस्टेंस में घर है, ठीक है, और वहाँ पे ऐसा है कि एक घर के साथ दूसरा घर, दूसरे घर का तीसरा घर, इस तरीके से घर है वहाँ पे। मैं पहले भी गया हूँ वहाँ पे, तो मैंने चलो आज मैं आपको कवर करता हूँ वहाँ पे, ठीक है, आप बने रहें इस वीडियो में। इस मम्मा यहाँ पे रोड पे पहुँच चुके हैं, ठीक है, अब ये यहाँ पे वेट करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे वेट करेंगे और मैं जाता हूँ और अपनी स्कूटी लेकर आता हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी स्कूटी लेने जा रहा हूँ, जो कि मेरा अंकल का घर है, वहाँ पर मैंने पार्क की होती है स्कूटी अपनी, और वहाँ से लूँगा स्कूटी मैं, ठीक है, तो बस मैं जा रहा हूँ स्कूटी लेने के लिए अपनी। गाइस, अभी मैं अपनी स्कूटी लेके आ गया हूँ, मम्मा भी यहाँ पर हैं, और बस अब हम यहाँ से स्कूटी मैंने स्टार्ट कर दी हुई है, बस मैं और मम्मा यहाँ से जाने वाले हैं, इसी रास्ते से जाने वाले हैं, रास्ता भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखो मौसम तो आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये यहाँ से रास्ता जा रहा है, ये यहाँ से, ठीक है, अब हम यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं वहाँ पर पहुँच कर, ठीक है। अब मेरे पास GoPro तो है नहीं जो मैं आपको साथ में व्यू भी दिखाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पे पहुँच के आपसे बात करता हूँ और मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू, ठीक है, आप बने रहिए इस वीडियो में। यहाँ पहुँच के चुके हैं रोड पे, और अभी हमें यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, तो इसलिए हमने स्कूटी यहाँ पे रास्ते में यहाँ साइड पे पार्क कर दी है, बाकी भी यहाँ पर पार्किंग हो रखी है, तो यहाँ पर हमने पार्क कर दी है। अभी यहाँ पर मम्मा भी हैं, अब मैं और मम्मा यहाँ से पैदल चल के यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ से जाना पड़ेगा, इसका जो रास्ता है वो यहाँ से है, मम्मा चल रहे हैं, ठीक है, ये मम्मा रास्ता इसके यहाँ से पेड़ों के बीचों बीच आप देख सकते हैं, और मैं भी यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से जाना पड़ेगा हमें जो रास्ता बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ की सीनरी, यहाँ के पेड़ किस तरीके के पेड़ हैं और कैसा यहाँ का रास्ता है, पत्थर यहाँ पे पत्थरों का ढेर लगा हुआ है, यहाँ से ये रास्ता है, और ये रास्ता यहाँ से सीधा सीधा के वहाँ पे हमारी स्कूटी लगी हुई है, ठीक है, और हम यहाँ पे अभी आए हुए हैं, यहाँ से पैदल चल के ऊपर की तरफ आए हैं, और ये बच्चे स्कूल के जा रहे हैं, जहाँ से ये जा रहे हैं हम भी वहीं से आए हैं, और अभी हम यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, और ये सामने स्कूल है, आपको दिखा दूँ मैं, ये जो येलो कलर में बिल्डिंग दिख रही है ये स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है, स्कूल है ये, तो
हेलो एवरीवन, ये देखिए ये स्कूल है यहाँ का, ठीक है। ये इस इलाके का स्कूल है, ये बिल्डिंग है इस तरीके से। हाँ हाँ, ये जाली। हाँ, ये स्कूल है, ये हाई स्कूल है, सेकेंडरी नहीं है, हाई स्कूल है, 10th तक है ये, ठीक है। ये स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ पे आप फ्लैग भी देख पा रहे हैं, फ्लैग लगा हुआ है। ये ऊपर वाली बिल्डिंग भी स्कूल की बिल्डिंग है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, और मम्मी इसकी इस विलेज में मम्मी की सगी बुआ है जो यहाँ पे रहते हैं, तो उन्हीं के घर पे हम जा रहे हैं। और ये यहाँ के देखो, ये विलेज है जो मैं बता रहा था आपको कि हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे जो घर है वो डिस्टेंस में है, और यहाँ पे एक साथ साथ में घर है सब लोगों के यहाँ पे, क्योंकि ये वाला विलेज थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ की देखो गलियाँ भी आपको अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे शॉप भी है, और ये देखिए यहाँ का ये विलेज है, और काफी ज्यादा घर है यहाँ पे, साथ साथ में ही घर है, मंदिर भी है यहाँ पे, और ये साथ में गाय भी है नीचे। ये इलाका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा देखने की, यहाँ पे घर और गलियाँ आपको एक अच्छे उसमें मिल जाएंगी देखने को, लोगों के घर है यहाँ पे। आपको ये दुकानें भी यहाँ पे मिल जाएंगी, और यहाँ की दुकानें किस तरीके से आप देख सकते हैं, घर के अंदर दुकानें हैं, यहाँ की दुकानें हैं ये। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जो घर हैं वो एक साथ साथ में घर हैं, और अच्छा, ठीक है, आप देख सकते हैं घर बिल्कुल साथ साथ में हैं। हमारे वहाँ पे जो घर थे काफ़ी डिस्टेंस में थे, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ में घर हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा दिखता है रहने के लिए, घूमने के लिए लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वही सरसों ही है, इन्होंने भी यहाँ पे जिन लोगों ने सरसों लगाई थी काट के रखी हुई है, ठीक है। ये देखिए घर है इस तरीके से, और यहाँ पे रोज़, और ये रोज़ आप देख सकते हैं किस तरीके से लगे हुए हैं रोज़, जो बहुत ही प्यारे सुंदर लग रहे हैं अभी, है ना, कितने इसको लगे हुए हैं बिल्कुल एकदम से। और ये देखिए लोगों के घर हैं यहाँ पे, मंदिर भी यहाँ के लोग पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, मंदिर है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो ये देखिए दुकान, हाँ ये खुली होनी है, देखो एक दुकान हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अच्छा ये दुकान है यहाँ पे, आपको दिखा दूँ, और ये घर है, और ये दुकान है। अभी हम दुकान से कुछ सामान ले लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। एवरीवन, आप देखिए अभी हम यहाँ पे अपने मामा जी के घर आ चुके हैं, बुआ के घर, मम्मी की बुआ के घर पे आ गए हुए हैं, और ये भैया यहाँ पे, और ये मेरी बुआ है, मम्मी है, बैठे हुए हैं सब यहाँ पे, ठीक है। और ये घर है इनका, यहाँ पे हम आए हुए थे अभी, और यहाँ पे बस ये जो भंडारा स्टार्ट हो चुका है वो है, चेयर्स पे उन्होंने बाहर लगाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर्स, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अब आपका भंडारा स्टार्ट होने पे। तो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपनी बुआ के घर पे, मामा जी के घर पे, और यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, हुए हैं, हमने अभी खाना खा के बाहर से आगे हुए हैं, भंडारा जो यहाँ पे लगा हुआ था वो हमने खा लिया हुआ है, ठीक है। और ये क्रिस्टीना देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी सी है, छोटी सी गुड़िया, ठीक है, ये देखिए इसका नाम क्रिस्टीना है। तो यहाँ पे एक और छोटी सी गुड़िया है, दो गुड़िया यहाँ पे, ये मम्मा यहाँ बैठे हुए हैं, और ये देखिए ये रूम है, हम जस्ट अभी खाना खा के आए हुए हैं, और बस यहाँ पे बैठते हैं थोड़ा, फिर मिलते हैं आपसे, बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। क्रिस्टीना हमारी, ये देखो मेरी गोदी में बैठी हुई है अभी गाइस, तो ये खुश हो रही है काफी ज्यादा, हंस रही है मेरे पास आके, और देखो इसको आप कितनी प्यारी कितनी क्यूट है ये, और ये बैठी हुई है मेरे पास अभी, ये देखो हंस भी रही है, देखो देखो इसको, देखो ये भी कैमरे में देख रही है आप सबको, इसको हाय करो क्रिस्टीना, हाय करो, हाय करो, हाय क्रिस्टीना, यूट्यूब पे आएगी अभी जल्दी, ठीक है, ठीक है, हाय करना,
हाय करना करना, हाय कृष्णा हाय करना। चलो गाइस ये बैठी है मेरी गोदी में, तो मैं मिलता हूँ आपसे ठहर के। इवन जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये मेरी बूजी मतलब मेरी दीदी की मदर इन लॉ, ये वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी हमें मिल गए यहाँ पे फंक्शन में, फंक्शन मतलब भंडारे में आए हुए थे ये भी, तो आप इन्हें भी देख लेंगे, भी यहाँ पे बैठे हुए, मम्मा बैठे हुए हैं। तो बस अब जाने की भी तैयारी हो रही है, टाइम बच चुके हैं, 2:15 हो गए हुए हैं, 2:20 हो गए हुए हैं, तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं घर पे, और रस्ते में जो व्यू कवर करेंगे हम वो भी आपसे शेयर करेंगे, तो आप बने रहे इस वीडियो में। विलेज में यहाँ पे आए हुए थे भंडारे में, वहाँ से निकल चुके हैं, और ये आपका देख सकते हैं यहाँ का व्यू, ठीक है। यहाँ पे हम आए हुए थे फंक्शन में, फंक्शन मतलब भंडारा था, और साथ में जो हमारे रिलेटिव्स यहाँ पे रहते थे उनसे भी हम मिल चुके हैं, और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और यहाँ का व्यू देखिए आप, कितना ही अच्छा यहाँ का मौसम है, और यहाँ का जो व्यू सामने दिख रहा है कितना मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है हमें यहाँ से। और यहाँ पे ये घर है लोगों के, ठीक है, और ये नीचे आप देख सकते हैं, ये देखो जो मेरे व्यूअर्स कह रहे थे कि हमें वहाँ का होम टूर दिखाओ या हम वहाँ का घर दिखाओ, तो वो ये सब देख सकते हैं कि यहाँ के घर किस तरीके के घर होते हैं। ये टीन वाले घर होते हैं, ताकि ये टीन वाले इसलिए होते हैं ताकि बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे, तो बर्फ़ पिघल के आसानी से नीचे गिरती है, तो इसीलिए इस तरीके के घर बनाए जाते हैं। और ये अभी न्यू घर बन रहा है, और जहाँ ये मंदिर है यहाँ पे भंडारा था, हम यहीं पे आए हुए थे, अभी भी लोग भंडारा मतलब खा रहे हैं, यहाँ पे कुर्सियाँ पे ही रखा हुआ है। तो अभी बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम जो विलेज में यहाँ भंडारे में आए हुए थे वहाँ से जा रहे हैं, ये बुआ है बुजी है, ठीक है, और हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ का पूरा 360 व्यू दिखा दूँ आपको मैं, ये देखिए अभी हम जा रहे हैं। यहाँ की गलियाँ बहुत अच्छी है, अच्छी हैं, जैसे कि हम आपने हमारे घर की वहाँ पे देखी थी, वहाँ पे सही के नहीं बनी थी, और यहाँ की अच्छी यहाँ की अच्छी गलियाँ हैं, यहाँ पे दुकान भी है, शॉप भी है, मैं आपको दिखा दूँ, ये पीछे मेरे शॉप है। और बस अभी हम घर के लिए जा रहे हैं, मम्मा भी आ रहे हैं, बूजी भी आ रहे हैं, तो अभी हम बस आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कैसा है, गलियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, रास्ता अच्छा है यहाँ का, बारिश वगैरह हो तो आपको यहाँ पे कोई कीचड़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अच्छा है यहाँ का व्यू। चलिए ठीक है, हाँ गाइस अभी हम यहाँ पर गए तो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने भंडारा खाया, भंडारा भी बहुत ज़्यादा टेस्ट था। उसके बाद यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अपने रिलेटिव्स मिले, रिश्तेदार मिले, इवन कि इतने रिश्तेदार मिले कि जितने को मैं जानता भी नहीं था, और वो भी मेरे से यहाँ पे मिले, और मेरे को पता चला कि हाँ ये मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, तो मैं उनसे मिला हूँ, तो अच्छा लगा उनसे मिलकर, ठीक है। अगर हम किसी लोगों से मिलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये कौन है, रिलेटिव कैसे हैं, तो हमें मिलकर अच्छा लगा, और मिला मैं उन सबसे, उनको भी अच्छा लगा, तो वो तो कह रहे थे कि आज आप यहीं पे रुको, यहीं पे रह लो, लेकिन हमने भी बोला कि नहीं, हमारे घर पे ब्रूनो हमारा रहता है, अभी पापा ने भी कहीं पे जाना था तो घर पे कोई था नहीं, तो फिर इसलिए मैं और मम्मा भी निकल चुके हैं, मैं अभी चल रहा हूँ, मम्मा भी आ रहे हैं, देख सकते हैं। तो बस अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, यहाँ का रास्ता आप देखिए किस तरीके का रास्ता है, ठीक है, तो फिर अभी निकलते हैं, स्कूटी हमारी वहाँ पे लगी हुई है, स्कूटी बैठते हैं और फिर घर के निकलते हैं, घर पहुँच के आपसे मिलते हैं, ब्रूनो की देखते हैं ब्रूनो क्या करता है। बस हम घर पहुँचने वाले हैं, आप देख सकते हैं अभी हम घर मतलब रास्ते से ऊपर आ गए हैं, स्कूटी मैंने पार्क कर ली हुई है, और अब मैं अभी घर के लिए जा रहा हूँ, और हमारे ब्रूनो को पता लग चुका है कि मैं आ चुका हूँ, मम्मी भी पीछे से आ रहे हैं आप देख सकते हैं, और मैं अभी बस पहुँचने वाला हूँ घर पे। और ब्रूनो देखो, ब्रूनो की भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, ब्रूनो भौंक रहा है, उसको पता लग गया हो कि हम आ गए हुए हैं, आप देखो कितना खुश हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ वो व्यू ब्रूनो का खुश होने का, और जैसे हम पहुँचते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ का गेट खोल लिया हुआ है, और अभी देखिए आप ब्रूनो हमारा, ओ ब्रूनो ब्रूनो ब्रूनो, देखो ब्रूनो कितना खुश हो गया, इसकी धुम धुम कैसे हिला रहा है, धुम धुम कितनी स्पीड हिला रहा है, और ये मेरे को भी देख रहा हूँ, फादर ने मम्मी को भी। देखिए अब हमारा ब्रूनो मम्मी से मिलने के लिए बेताब हो गया है, खुश हो रहा है, धुम ही धुम कितनी हिला रहा है, और ये मम्मी आए हैं इसके लिए कुछ लेकर आए हैं, देखो देखो ब्रूनो को देखो, और इसको पता लगा कि कुछ लेकर आए मेरे लिए, तो ब्रूनो खुश हो रहा था, देख सकते हैं खाले, 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 क्या रहा है, कुछ लेकर आए, ये देखो न्या, न्या। खाले, खाले, ये ले।
ब्रो ना खुश हो गया।